भाई मानना पड़ेगा, लॉन्चिंग हो तो ऐसी। हमारे पीएम मोदी ने एक स्टॉल पर 5G नेटवर्क की मदद से स्वीडन में खड़ी एक गाड़ी को अपने इंडिया से ही मूव कर दिया। जी हां गाइस, इंडिया में 5G सेवा कल शनिवार को यानी कि 1 अक्टूबर को लॉन्च कर दी गई। पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इस सर्विस को स्वीडन में खड़ी उस गाड़ी को चलाते हुए लॉन्च किया। लेकिन अभी आप 5G को बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ट्रायल अभी हेल्थ, एजुकेशन और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत देश के 8 शहरों में चल रहा है, जो कि अभी आम लोगों की पहुंच से दूर है। और अभी 2 साल का इंतजार और करना पड़ सकता है 5G को पूरे देश में आसानी से फैलने के लिए। अभी केवल एयरटेल ने ही ये सर्विस लॉन्च की है, लेकिन दिवाली तक रिलायंस जो भी देश के 4 मेट्रो शहरों में अपनी सेवा लॉन्च कर देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया का अभी भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो कब तक अपनी 5G सर्विसेज लॉन्च करेंगे। तो भाई क्या अभी कोई ऐसा काम करते हैं कि जो 5G आने के बाद आपके काम की वो स्पीड दुगनी हो जाएगी 5G नेटवर्क की तरह ही? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।